स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के लिए पॉलिटेक्निक चंबा में 200 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। डीसी राणा ने बताया कि पहले सुरक्षा घेरे के तहत जिला पुलिस, दूसरे सुरक्षा घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन और तीसरे सुरक्षा घेरे में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतगणना को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। हमारे जो मतगणना में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। उसमें जो मतगणना में जो एम्प्लॉइज होंगे वो तीन चरणों में उनका रेंडमाइजेशन होगा। पहले रेंडमाइजेशन में उनको जो है कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉट होगी और उसके बाद जब फाइनल रेंडमाइजेशन होगी तो उस टाइम उनको काउंटर टेबल जो है वो अलॉट होगा। पहली रिहर्सल आरओ हेडक्वार्टर पे हो रही है और जो दूसरी और अंतिम रिहर्सल है वो यहाँ पे हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज चंबा में होगी, जहाँ पे हमारे काउंटिंग सेंटर बने हैं। जो हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनको माननीय इलेक्शन कमीशन की जो SOP है उसके अंतर्गत जो है सिक्योर किया गया है। 3 tier हमारी सिक्योरिटी है, जिसमें स्टेट पुलिस के अलावा ITBP जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उसके 200 जवान तैनात है। CCTV के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है और कोई भी हमारा कंटेस्टिंग कैंडिडेट है या उनके जो एजेंट हैं वो आगे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे वो CCTV की फुटेज भी देख सकते हैं। तो किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है और मैं लगातार जो है मैं भी स्ट्रॉन्ग रूम का जो है इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा हूँ।